आज हम बनाएंगे प्याज के पकौड़े जो बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। सबसे पहले हमने प्याज ली, फिर नमक मिर्च हमने स्वाद अनुसार डाला, थोड़ा सा हमने भुने जीरा का पाउडर डाला और कश्मीरी लाल मिर्च हमने कलर के लिए डाली, फिर 2 स्पून हमने बेसन डाला, थोड़ा सा वाटर डाल के उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। वाटर डालने से ही अच्छे से मिक्स हो जाता है और 5 मिनट के लिए हमने इसको रख दिया रेस्ट होने के लिए। प्याज के पकौड़े क्रिस्पी बने इसके लिए हमने तेल को अच्छे से हीट कर लिया। तेल जितना अच्छा हीट होगा उतने ही अच्छे पकौड़े बनेंगे। एक एक करके पकौड़े ऐड कीजिए। एक तरफ से जब पकौड़े में अच्छे से, तो हमने दूसरी तरफ से पलट दिया। अब ये देखिए हमारे कितने अच्छे पकौड़े बन के तैयार हुए और कितने क्रिस्पी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल तैयार हुए। रमज़ान में पकौड़े आप इसी तरह से बनाइएगा, आपके पकौड़े सबको बहुत ही पसंद आएंगे। हरी मिर्चें, हरी धनिया और लहसुन की चटनी बनाइए इसके साथ और इसको सर्व कीजिए। देखिए खाने में कितना टेस्टी लगता है। पकौड़े इसी मेथड से बनाइएगा तो ये पकौड़े बहुत ही जल्दी और आसानी से बन